डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट के ऊपर है नीचे मल्टीप्लाई करना है आपको। अब आपको यहां से मिलेगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू अपॉन ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस आई ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू अपॉन ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर। यस यस, किसका आंसर ये आ रहा है? यू विल गेट दिस ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू अपॉन ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस आई इन द ब्रैकेट यू गेट ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू अपॉन ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर। यस, किस किस का आंसर आ रहा है ये? अगर किसी ने माइनस आई कॉमन लिया है तो यहां उल्टा दिखाई देगा, यहां पे ए वन बी टू पहले होगा और ए टू बी वन बाद में होगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आपने सेपरेट नहीं किया है तो सेपरेट कीजिए, बट यू विल गेट दिस आंसर। जिनका आ गया वेल एंड गुड, जिनका नहीं आया एक बार फिर ट्राई कीजिए। ओके, यू विल गेट दिस आंसर। डिनोमिनेटर से सीधे जैसे ही आप कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो आइडेंटिटी है जो आपने 8th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, एक ब्रैकेट ए प्लस बी और दूसरा ब्रैकेट ए माइनस बी, तो वहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, तो यहां से तो आपको सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स यू गेट ए टू स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी टू स्क्वायर। फिर ये जो आई स्क्वायर है इसके लिए आप माइनस वन पुटअप करोगे तो आपको ए टू स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस वन बी टू स्क्वायर मिलेगा एंड दैट गिव्स यू ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर। ओके, यू विल गेट दिस। डिनोमिनेटर ये हो जाएगा। ओके, सेपरेट कीजिए, सेपरेट इसलिए कीजिए ताकि आप ये पार्ट देख सकते हो, ये पार्ट सीधे सीधे इसका रियल पार्ट हो जाएगा और ये आई के साथ है तो ये पार्ट सीधे सीधे इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ओके, सेपरेट नहीं भी किया है तो भी आपको आंसर इसी तरह से दिखाई देगा, नीचे बस आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर कॉमन रहेगा दोनों के लिए, बाकी तो आप जो टर्म्स विदाउट आई को साथ में लोगे और टर्म्स विद आई को साथ में लोगे तो आपको इसी फॉर्म में दिखाई देगा। ओके, नाउ व्हाट यू कैन से अबाउट द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिविजन, डज द क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड? जैसे कल हमने एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन में देखा, डज द क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड? एक आंसर नो आ रहा है, आंसर यस आ रहा है। यस, व्हाट अबाउट रिमेनिंग? डज द क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड? मन्नत ने नो कहा है, अभिनव अय्यर आई थिंक नो लिखा है। ओके, जिनका आंसर नो है, नो क्यू, मन्नत एंड अभिनव, आंसर नो क्यू। और अगर किसी और को भी लगता है आंसर नो है तो आंसर नो क्यू। यस प्लीज आंसर। Can you hear my voice? सर सारे नंबर कॉम्प्लेक्स ही होते हैं। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि दो बच्चों ने आंसर नो दिया हुआ है, ठीक है, टू स्टूडेंट्स हैव गिवन द आंसर नो, तो मैं ये जानना चाहता हूँ नो क्यू, व्हाई द आंसर इज नो। दो बच्चों ने आंसर नो दिया था,
और कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जिनके माइंड में चल रहा है कि आंसर नो आना चाहिए? गिव मी द रीजन। सबसे पहले ये बताइए मेरा वॉइस आ रहा है? नहीं, सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी है। आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन जब लेते हो तो आपको वापस कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। कल हमने देखा था एडिशन जो है उसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, बिकॉज एडिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर गिव्स द कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन जो है वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, बिकॉज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसमें मैंने ये भी बताया था कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इमेजिनरी पार्ट सेम है, ठीक है, यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा था 6 + 8 आए और 1 + 8 आए, तो सब्ट्रैक्शन के बाद सिंपली 5 आ रहा था, तो 5 को भी हम 5 + 0 आए लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्शन होल्ड्स द क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एडिशन ऑल्सो होल्ड्स द क्लोजर प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो होल्ड्स द क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन केस में अगर आपका आंसर नो है देन गिव मी द रीजन, बाकी सब्ट्रैक्शन केस में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। ज्यादा टाइपिंग पे टाइम मत लगाइए, अगर आपको आंसर आता है तो रेज हैंड कीजिए, मैं आपको माइक ऑन करने की परमिशन दूंगा। ठीक है, ओके मन्नत, तो आपके हिसाब से क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगा? ओके अभिनव, आपने आंसर कहा था आई थिंक नो, यस, व्हाट इज गोइंग इन योर माइंड, प्लीज एक्सप्लेन। अभिनव सबसे पहले बताइए आर यू प्रेजेंट? ओके आप भी सब्ट्रैक्शन को लेके ही थे। ठीक है, कोई और ऐसा स्टूडेंट जिसके माइंड में ये है कि आंसर नो हो सकता है? ओके सो आई कंसिडर कि सबको लगता है कि आंसर यस है, अब रिस्पॉन्ड कीजिए यस से एटलीस्ट। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड। इसका आंसर यस है बट विद द कंडीशन। ओके आप जो आंसर कह रहे थे ना नो वो भी सही है, और अगर आंसर यस है तो वो भी एक कंडीशन के साथ है, और वो कंडीशन है ये, दिस इज द कंडीशन। ओके नाउ सी, डिवीजन और क्वोशेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी तभी होल्ड होगी व्हेन द डिनोमिनेटर इज अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स वी कैन से दैट द क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर द कॉम्प्लेक्स, सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड फॉर द नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आप नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, यू टेक द नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके इस नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर डिविजन करोगे तो अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट आपको जो आएगा इट विल बी अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली। ओके इफ यू टेक द डिविजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन विच दिस कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर देन द रिजल्टिंग विल अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके अब अगर आप सारे कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करोगे उसमें जीरो आ जाएगा देन यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। ओके क्लियर, सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके यस, एनी डाउट? ओके बाकी इसमें कम्यूटेटिव एसोसिएटिव ये सब प्रॉपर्टीज इसमें नहीं आते हैं, इसका आंसर तो ऐसे अनडिफाइंड भी आ सकता है। हाँ अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, बट हम नॉट डिफाइंड इज नेवर अ नंबर। ओके नॉट डिफाइंड जो है इट इज नेवर अ नंबर, वो नंबर नहीं होता है। यही रीजन है कि जब हम सेट्स में स्टडी कर रहे थे इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट, तो इंटरवल्स के कॉन्सेप्ट में हमने जो ये देखा था कि सपोज ओपन डेट -1 आ रहा है, क्लोज डेट इन्फिनिटी आ रहा है, तो वहां पे हम राउंड ब्रैकेट देते हैं, वी डू नॉट गिव द क्लोज ब्रैकेट। कभी भी जब इंटरवल में एक साइड पे इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है ना, वहां पे हमेशा राउंड ब्रैकेट मतलब ओपन इंटरवल दिया जाता है, नॉट द क्लोज इंटरवल। ओके ओके नाउ
Now we come to the next concept, which is powers of I. We come to the next concept, which is powers of I. Now see, I के power, I की value under root of minus 1 है. इस हिसाब से I square जो आएगा, it will be minus 1. I cube जो आएगा, it will be I square into I and it will be minus I. Why minus I? हमने I square के लिए minus 1 put up कर दी. Okay? I raise to 4 जो आएगा, it will be I square into I square and it will be 1. Why 1? Because we are putting I square as minus 1. So minus 1 into minus 1 gives you 1. जब हम I raise to 5 पे आएंगे, it will be I raise to 4 into I. I raise to 4 1 है, means you get I. I raise to 6 put up करेंगे तो I square into I raise to 4 आएगा. एक minus 1 है, एक 1 है, इनका product minus 1 आएगा. I raise to 7, it will be I cube into I raise to 4. I cube खुद minus I आता है और I raise to 4 1 आता है. So this is minus I. And I raise to 8 just gives you I raise to 4 into I raise to 4. I raise to 4 is 1. I raise to 4 is 1. 1 into 1 is 1. So you can observe that with the powers of I, we get only these values. I के जब हम power supply करते हैं, ठीक है, तो हमें सिर्फ यही values ही मिलते हैं. Okay? Is it correct? See. देख लीजिए और बताइए यहाँ कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं इनके सम की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं पावर्स ऑफ आई की बात कर रहा हूँ. आप अगर इन चारों का सम लेना चाहते हो तो मैं इनके सम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पावर्स ऑफ आई की बात कर रहा हूँ. मतलब जब हम आय का पावर लेंगे, ओके, जब हम आय का पावर लेंगे ना, ओके, तो आय के पावर के केस में सिर्फ चार पॉसिबल वैल्यूज आएंगे. ओके, एक है आय खुद, एक है माइनस वन, एक है माइनस आय और एक है वन. ओनली फोर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आय रेस टू एन आर पॉसिबल. ओके, पहले बताइए ये क्लियर है या इसमें कोई डाउट है? अगर स्क्रीन ब्लर हो रहा है तो बड़ा एसके केस में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है रिकॉर्डिंग जो ऑलरेडी चल रहा है. ठीक है, वैसे आय के पावर्स पे एक वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड करके रखा हुआ है, अगर आप में से किसी ने देख लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है. ओके, अब देखिए जब हम आई रेस टू एन की बात करते हैं, ठीक है, तो आई रेस टू एन के केस में ये पॉसिबल वैल्यूज है. ओके, नाउ सी, यहां पे हम n लेंगे. ओके, व्हाट विल बी द पावर, n क्या होगा? जब n के लिए 1 आएगी तब आपको ये मिलेगा 2 3 4 5 6 7 8. ये वैल्यू सब यहीं देख सकते हो. I टू द पावर 1 i आता है, I टू द पावर 5 ये भी i आया था. I स्क्वायर जब लिया तब वैल्यू माइनस 1 आ रही है, I रेस टू 6 लिया वैल्यू माइनस 1 आ रही है, I क्यूब माइनस i आ रहा है. ओके, और I raise to 7 ये भी माइनस आई आ रहा है. एंड व्हेन वी टेक I raise to 4 वी गेट I, व्हेन वी गेट I raise to 8 वी गेट I. सी, अगर आपने मोबाइल ऐसा रखा हुआ है तो आपको बोर्ड पूरा नहीं दिखाई देगा, आप ऐसा रखिए. ओके, आप ऐसा रखिए मोबाइल को, मोबाइल को आप लैंडस्केप मोड में ले लीजिए, आपको बोर्ड पूरा दिखाई देगा. अगर आपका टैब है तो टैब को भी आप ऐसे टर्न कर लीजिए, बोर्ड की साइज और ज्यादा बड़ी दिखाई देगी. ठीक है, लैपटॉप के केस में मुझे खुद को पता नहीं है क्या करना रहता है. ठीक है, तो आप मोबाइल ऐसे करके ऐसे निकालिए. अगर इसके बाद भी आपको बोर्ड पूरा नहीं दिखा रहा है तो फिर आप एक काम कीजिए, आप लेफ्ट आउट हो जाइए और वापस ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइनिंग करके आप लैंडस्केप मोड में आ जाइए, आपको पूरा स्क्रीन दिखाई देगा. ओके, क्लियर? क्योंकि मैं यहाँ से खुद देख सकता हूँ कि स्क्रीन पूरा है. ओके, और किसी को ये प्रॉब्लम आ रहा है? स्क्रीन
स्क्रीन मेरे हिसाब से पूरा दिखना चाहिए। अगर किसी को स्क्रीन पूरा नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो सबसे पहले तो आप मोबाइल को रोटेट कीजिए, लैंडस्केप मोड में ले लीजिए। उसके बाद भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो एक काम कीजिए, आप लेफ्ट आउट हो जाइए, लेफ्ट आउट होकर फिर से ज्वाइन कीजिए और लैंडस्केप मोड में आ जाइए, आपको क्लियर दिखाई देगा। ओके, अब जब हम वैल्यू आगे लेंगे, 9 लेंगे, तो आई आएगा, मतलब आई रेस टू 9, आई आएगा 10, 11, 12, वैसे ही 13, 14, 15, 16। ओके, इन शॉर्ट अगर आई का पावर इवन है, इफ द पावर ऑफ आई इज इवन, तो इवन होने के बाद एन एन अगर इवन है, इवन होने के बाद या तो ये मल्टीपल ऑफ 4 होगा या तो ये मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा। आप कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, सपोज हमने इवन नंबर 10 लिया, देन इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। यहीं पे अगर हम 12 लेंगे तो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। इवन नंबर्स में 2 नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 मल्टीपल ऑफ 4, 6 नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, 8 मल्टीपल ऑफ 4, 10 नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, 12 मल्टीपल ऑफ 4, 14 नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, 16 मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर आई का पावर इवन है तो या तो ये 4 का मल्टीपल होगा या 4 का मल्टीपल नहीं होगा। अगर 4 का मल्टीपल है तो आंसर 1 आएगा, अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो आंसर -1 आ जाएगा। ओके, यू विल गेट दिस आंसर व्हेन आई इज व्हेन एन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, मींस आई का पावर एन जो है, व्हेन इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, इवन है लेकिन, तो -1 आएगा। ओके, एल्स द आंसर विल बी 1। ठीक है, अब अगर आई का पावर ऑड है, अगर आई का पावर ऑड है, ठीक है, तो आई के पावर को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वहां पर रिमाइंडर जो आएगा, या तो वो रिमाइंडर 1 होगा या रिमाइंडर व्हाट यू कॉल 3 होगा। आप कोई भी एक ऑड नंबर बताइए मुझे, एनी बिग ऑड नंबर, सजेस्ट एनी बिग ऑड नंबर। 17 छोटा है, बड़ा ऑड नंबर बताइए। हाँ, ये देखिए, ये आया ना ऑड नंबर 9999, वेरी गुड। अब आप सब लोग एक काम कीजिए, 9999 जो है ना, इसे आप 4 से डिवाइड कीजिए एंड मुझे बताइए रिमाइंडर क्या आ रहा है। चलिए, आपको एक टास्क दिया है मैंने, आप 9999 को 4 से डिवाइड कीजिए। एंड टेल मी व्हाट इज द रिमाइंडर। यस, रिमाइंडर इज 3, रिमाइंडर इज 3। तो किसी भी ऑड नंबर को जब आप 4 से डिवाइड करते हो ना, तो आपको दो तरह के रिमाइंडर ही पॉसिबल है, रिमाइंडर या तो 1 आएगा या तो रिमाइंडर 3 आएगा। जहां रिमाइंडर 3 आ रहा है वहां पे सीधे सीधे आंसर माइनस आई आ जाएगा। ठीक है, मतलब आई रेस टू 9999 के केस में रिमाइंडर 3 आ रहा है ना, इसे आप कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट 4 टाइम्स समथिंग प्लस 3, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। अब ये 4 टाइम्स समथिंग क्या है, समथिंग वो है जो आपने ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा। ओके, जो आपने ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा ना वो होगा, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट विल बी 249 आई थिंक। ओके, कुछ 249 या 2499 होगा, सही है, 2499। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस इज 2499 प्लस 3। अब आई रेस टू 4 इंटू 2499, ये तो सीधे सीधे 1 हो जाएगा, मतलब ये आई रेस टू 4 इंटू 2499 इंटू आई क्यूब हो गया। ठीक है, आई का पावर जैसे ही 4 या 4 का मल्टीपल आ गया, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये पार्ट 1 हो गया और ये पार्ट जो आई क्यूब है इसे आप माइनस आई कर दोगे। ठीक है, यस, एनी डाउट इन दिस, पावर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ फिलहाल मैं। ऑड नंबर जब भी आएगा ना, तब पावर या तो 3 आएगा या 1 आएगा। ओके, अब जो आपने नंबर 9999 लिया, अगर यहीं पे नंबर 9997 होता, मतलब 4 9 जो आपके ना, उस 4 9 में जो लास्ट वाला 9 है वहां पे अगर 7 हो जाए, तो वहां पे रिमाइंडर अब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में आंसर ये आ जाएगा, आई आ जाएगा। ओके, तो अगर अगर डिवीजन के बाद नंबर इस टाइप का आता है, 4k+1, 4k+1 का मतलब है ये जो 1 है ना, दिस 1 इज द रिमाइंडर। ओके, इस केस में आंसर आई आएगा। अगर 4k+2 आएगा तो इस केस में आंसर -1 आएगा। अगर 4k+3 आएगा
तो इस केस में आंसर माइनस आई आएगा, और अगर 4K टाइप का होगा मीन सीधे सीधे मल्टीपल ऑफ 4 होगा, तो ऐसे केस में आंसर आपका 1 आ जाएगा। ओके क्लियर? यस, एनी डाउट इन दिस? ओके चलते हैं इस चैप्टर के एक लास्ट कॉन्सेप्ट पे। अब यहां तक जो हमने कॉन्सेप्ट किया ना, वो आपके एक्सरसाइज 5.1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सरसाइज 5.2 के पॉइंट से पोलर रिप्रेजेंटेशन है, जो मैंने आपको कल बताया था, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और एक्सरसाइज 5.3 के हिसाब से एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मैं पहले ले लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे, इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब 5.1 और 5.3 हम कंबाइनली सॉल्व करेंगे। चैप्टर का थेरोटिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एक बार थेरोटिकल पार्ट क्लियर हो गया ना, तो प्रॉब्लम्स इसके कुछ इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और बहुत जल्दी हो जाएंगे। अगर कोई चाहेगा ना कि आज प्रॉब्लम सॉल्व करने, तो दोनों एक्सरसाइज आप आज के आज ही सॉल्व कर लोगे। ओके नाउ सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस, कोई मुझे जनरल इक्वेशन बताएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? यू नो व्हाट आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यू हैव स्टडीड अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? टेल मी द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बेटा एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है, मुझे इक्वेशन चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ओके सो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, आपके हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। व्हाट यू कैन से अबाउट ए बी सी? व्हाट यू कैन से अबाउट ए बी सी? कॉन्स्टेंट रियल नंबर, ओके, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बस यही एक बात चाहिए थी। वेर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी सी दीज आर रियल नंबर। ओके वेर ए बी सी आर रियल नंबर इन विच ए इज कंपल्सरी नॉन जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया, अगर ए जीरो हो गया तो ये पार्ट वैनिश हो जाएगा, इसके बाद आपको बी एक्स प्लस सी मिलेगा, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके तो इसे क्वाड्रेटिक रहने के लिए हमें एक्स स्क्वायर जरूरी चाहिए, और एक्स स्क्वायर जरूरी चाहिए इस पॉइंट से, ए जो है इट शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो। ओके ओके इसके रूट्स, इसके कितने रूट्स आते हैं, कितने सोल्यूशन आते हैं इसके, हाउ मेनी रूट्स और हाउ मेनी सोल्यूशन? टू, वेरी गुड। टू क्यों? वाई वी हैव टू सोल्यूशन ओनली? पावर, जो हाईएस्ट पावर है ना, उसकी वजह से, हाईएस्ट पावर टू है इसकी वजह से। ओके अब पॉलिनोमियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, पॉलिनोमियल में अगर डिग्री एन है तो इसके एन रूट्स आएंगे, ओके एन सॉल्यूशंस आएंगे, ये हमने स्टडी किया है। अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर या उससे पहले साल 9th स्टैंडर्ड में आपने इसे ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी किया था, यदि इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जितनी बार ये एक्स एक्स को टच करेगा इतने इसके रूट्स आ सकते हैं, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो ये जो है इसकी हाईएस्ट पावर टू है, इसलिए इसके दो रूट्स आएंगे। ओके इसके रूट्स हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है। ओके अब देखिए, ए नॉन जीरो है इसलिए हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, ए नॉन जीरो है इसीलिए हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर ए जीरो हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं, ये पार्ट वैनिश हो जाएगा, इट विल बी लीनियर इक्वेशन, और फिर इन रूट्स को
हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, वैसे रूट चाहिए भी नहीं, क्यों? क्योंकि अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं होगा। ओके, इसमें ये डी या डेल्टा जो भी आप लेते थे, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी के ऊपर रूट्स डिपेंड करते थे। यदि डेल्टा जीरो तो रूट्स आएंगे रियल एंड इक्वल, अगर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स आएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, और अगर डेल्टा लेस देन जीरो है तो ऐसे केस में रूट्स नॉट रियल, रूट नॉट रियल। अब यहां नॉट रियल की जगह पे आएंगे इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, यहां पर रूट्स क्या जाएंगे, दे विल बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। ओके, क्लियर? तो इतना कॉन्सेप्ट आपने पहले स्टडी किया है, जो नॉट रियल वाला पार्ट है वो आप इस साल स्टडी करोगे। ओके, मतलब एक्सरसाइज 5.3 में जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे ना, उन सारे क्वेश्चंस में डेल्टा की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू लेस देन जीरो टाइप की रहेगी, ठीक है, और आपको वहां पर रूट्स फाइंड करने हैं। और जब भी आप रूट्स फाइंड करोगे ना, तो आप यही ऑब्जर्व करोगे कि इसके सारे जो रूट्स हैं, दोज रूट्स आर नॉट रियल, मीन्स दोज रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स में भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएंगे। ओके, दे विल बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। ओके, यस, एनी डाउट इन दिस? ये तो पार्ट एक्चुअल इस साल तो नहीं है आपको, सिर्फ आपको ये पार्ट स्टडी करना है बस। ओके, तो यहां कंप्लीट होता है आपका थेरोटिकल पार्ट। ओके, यहां पे आपका थेरोटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं, अब कल फिर छुट्टी आ रही है आप लोगों को, कल बैठ के दोनों एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कीजिए। ओके, और आज मैं इसके प्रॉब्लम्स आपको भेज दूंगा, इनफैक्ट मैं पूरी प्लेलिस्ट भेजूंगा आज। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा आज, आप उसे आराम से देखिए, ठीक है, उसमें जो प्रॉब्लम सॉल्व किए उनको आराम से देखिए, समझिए, और यदि कोई डाउट आता है तो मंडे के दिन मुझसे पूछिएगा। लेट्स मूव टू एक्सरसाइज। वीडियोस बेटा 14 है उसमें, ठीक है, लेकिन आप हर वीडियो देखो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वीडियोस में देखिए मैंने स्टार्ट से लेके उसमें फिर से जितना मैंने आपको कल से लेकर आज तक एक्सप्लेन किया है ना, उसके वीडियोस उसमें है। एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो मैंने आपको एक दिन पहले भेजा था, जिसमें लिखा था मस्ट वॉच, ठीक है, उसके बाद एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो है, ठीक है, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन का अलग से वीडियो बनाया था, जैसे आज डिवीजन मैंने आपको अलग से बताया, और अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मैंने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया वो है उसमें, ठीक है। तो यदि इस वक्त आपको ये सारा अच्छे से समझ में आ गया है तो आप उन्हें अवॉइड कर सकते हो। सेकेंडली, कल जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसका गूगल क्लासरूम का वीडियो भी उसमें मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है, तो आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो, नहीं देखना चाहो तो नहीं देख सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, मैं तो कहूंगा दोनों कर दो भले, नो इश्यू। 1 एंड 3 सेकेंड एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है, आप चाहे तो 1 और 3 दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर दीजिए, चलेगा। नाउ सी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 दिया, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स फ्रॉम एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। ओके, मिसलेनियस एक्सरसाइज देखिए बेटा, मैं क्लियर कर देता हूँ कि मिसलेनियस एक्सरसाइज आप लोग को ही सॉल्व करना है, फिर भी मिसलेनियस एक्सरसाइज में से जो प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है मैंने उनको सॉल्व करके डाल दिया है, वीडियोस उसके मैंने अपलोड कर दिए हैं, बट मिसलेनियस एक्सरसाइज इट्स ऑलवेज टुवर्ड्स यू, आप सॉल्व करो, आपको डाउट या डिफिकल्टी आती है आप मुझसे पूछ सकते हो, बाकी मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। फिर भी हर चैप्टर में मैं ये तो कोशिश कर ही रहा हूँ कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज के वो मैं सॉल्व करके यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, इसमें भी मैंने ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है। ओके, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। सेकेंड क्वेश्चन बताइए आप मुझे,
सेकेंड क्वेश्चन में आई आर एस टू 9 प्लस आई आर एस टू 19 दिया है, IRS2 9 प्लस IRS2 19 ये दिया हुआ है। जेड आप ले लीजिए IRS2 9 प्लस IRS2 19 और इसे आपको एक्सप्रेस करना है ए प्लस आई बी फॉर्म में। ओके यस, IRS2 9 क्या आएगा? हमने पावर्स ऑफ आय का एक कॉन्सेप्ट देखा था अभी अभी, उस हिसाब से IRS2 9 कितना आएगा? आय, वेरी गुड। और IRS2 19 कितना आएगा? सिंपल है, IRS2 9 जो दिया है ना, आप ये सोचो कि 9 को 4 से डिवाइड करके इसका पावर कितना, रिमाइंडर कितना होगा। तो जब आप 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो 9 को आप 4 2 8 लिख सकते हो, तो IRS2 8 तक का आंसर 1 हो जाएगा, सिर्फ एक पावर रह जाता है तो आई आएगा। और IRS2 19 के केस में व्हेन यू डिवाइड 19 बाय 4 यू गेट द रिमाइंडर 3। 4 4 16 आ गया, 19 16 3, रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो ये IRS2 3 आ जाएगा। मीन्स IRS2 3 आपका होता है माइनस आई, IRS2 3 आपका सीधे से माइनस आई होता है। मींस यू गेट आई प्लस ऑफ माइनस आई विच गिव्स यू 0 एंड यू कैन राइट दिस इज 0 प्लस 0 आई। ए प्लस आई भी फॉर्म में लिखना है तो ये 0 प्लस 0 आई आ जाएगा। यस, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। सिंपल है, IRS2 9 ये आपको आई देगा, IRS2 19 ये आपको माइनस आई देगा। ठीक है, 9 डिवाइड बाय 4 लीव्स द रिमाइंडर 1, इसलिए IRS2 1 आ जाएगा। 19 डिवाइड बाय 4 लीव्स द रिमाइंडर 3, तो ये आई क्यूब हो जाएगा और आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई होती है। ठीक है, आई का जब भी हम पावर लेंगे तो 4 ही पॉसिबल वैल्यूज है, आई माइनस 1 माइनस आई 1। ओके ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 दिया है आपको, 1 बाय 3 प्लस 3 आई ब्रैकेट क्यूब, 1 बाय 3 प्लस 3 आई ब्रैकेट क्यूब। लेट जेड इज इक्वल टू 1 बाय 3 प्लस 3 आई ब्रैकेट क्यूब। ओके, अब ब्रैकेट क्यूब जैसा आपका आइडेंटिटी है, अब बिल्कुल इसी तरह से इसे एक्सपांड कीजिए। ठीक है, यू गेट ए क्यूब मतलब 1 बाय 3 का क्यूब, 3 इंटू a² इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b² प्लस बी क्यूब एज इट इज। जैसी आइडेंटिटी है बिल्कुल आप उसे वैसे ही अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आइडेंटिटी जो आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी की है, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब गिव्स यू ए क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 ab² प्लस बी क्यूब। एनी डाउट इन दिस? यस, एनी डाउट इन दिस? ओके, अब इसे आगे एक्सपांड कीजिए। इस एक्सपांशन में यहां पे आई स्क्वायर मिलेगा, उसकी वैल्यू माइनस 1 आपको पुटअप करनी है, और यहाँ आई क्यूब मिलेगा, इसकी वैल्यू आपको माइनस आई पुटअप करनी है। डू द एक्सपेंशन एंड सी व्हाट इज दैट। पहला स्टेप है सीधे सीधे ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब आइडेंटिटी अप्लाई करना, इसके बाद तो आप इसका एक्सपेंशन करो एंड सी व्हाट इज दैट।
इफ यू गेटिंग दिस आंसर, 1/3 का क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब 1 आएगा और 3 का क्यूब 27, यू गेट 1/27। यहाँ पे देखिए एक 3 ऊपर है और एक दूसरा 3 ऊपर है, मतलब 3 × 3 3 स्क्वायर हो गया और ये 3 स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ओके ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इन शॉर्ट व्हाट यू गेट, यू गेट ओनली आई हियर। ओके आपको यहाँ पे सिर्फ आई मिलेगा। देन 3 × 1/3 × 3 आई स्क्वायर है, तो ये 3 × 1/3 में 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 आएगा एंड यू गेट आई स्क्वायर, सो यू गेट 9 आई स्क्वायर। और 3 आई क्यूब में 3 क्यूब आएगा, ये आएगा 27। ओके और आई क्यूब आएगा एज इट इज, मीन्स आई क्यूब ये हो गया 1/27, ये आई एज इट इज, ये जो है 9 आई स्क्वायर ये -9 हो जाएगा बाय सब्स्टिट्यूटिंग आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ पे आपने आई स्क्वायर को -1 सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। और ये जो 27 आई क्यूब है, यहाँ पे आई क्यूब की वैल्यू -i आ जाएगी, वैल्यू ऑफ आई क्यूब विल टर्न आउट टू बी -i, तो ये -27 हो जाएगा। ओके अब सिमिलर टर्म्स आप ले लीजिए, ये टर्म 9 और ये टर्म 1/27, दीज आर फ्री फ्रॉम आई, इनको आप साथ में ले लीजिए, ये आई के टर्म्स है इनको आप साथ में ले लीजिए, फाइनली यू विल गेट दिस। तो ये हो गया कन्वर्ट ए प्लस आई बी फॉर्म में। हो सकता है पेपर में आपसे पूछा जाए कन्वर्ट इट इनटू ए प्लस आई बी एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है इट विल बी -242/27 और जो बी की वैल्यू है इट विल बी -26। ओके जो बी की वैल्यू आएगी इट विल बी -26। यस एनी डाउट इन दिस? नेक्स्ट क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 10 जो है इसी टाइप के हैं, वैसे मैंने इन्हें सॉल्व करके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन 7 भी अपलोडेड है, क्वेश्चन 4 भी अपलोडेड है, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 14 ये भी सॉल्व करके मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप प्लीज आज समय मिलेगा, कल छुट्टी है कल समय मिलेगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। टर्निंग टू क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 to 13 में करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यू हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके इसमें 12th मैंने सॉल्व कर लिया है, सी द 11th क्वेश्चन, इट इज 4 − 3i, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 − 3i। लेट z इज इक्वल टू 4 − 3i, इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यस इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 1/z, यस 1/z हो जाएगा, मीन्स 1/4 − 3i, ठीक है। अब ऊपर जो 1 है ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कल मैंने आपको बताया था सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि रियल नंबर सिंपली अगर a है तो उसे आप a प्लस आई जीरो फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, मींस ये जो 1 है ये भी आपका एक्चुअल 1 + 0i है, तो इन शॉर्ट ये है डिविजन ऑफ टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हमने कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट किया था, ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आज का हमारा सेशन वहीं से स्टार्ट हुआ था, यस क्या करना पड़ेगा बताइए, रैशनलाइज, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मींस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 + 3i, तो ये 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4 + 3i और डिनोमिनेटर में 4 − 3i इंटू 4 + 3i। आज हमारा सेशन यहीं से स्टार्ट हुआ था, हमने आज क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी किया था, वहीं से सेशन स्टार्ट हुआ और ये प्रॉब्लम उसी पे बेस्ड है। अब आप इसे सॉल्व करके ए प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, यस वेटिंग फॉर योर आंसर। सॉल्व कीजिए और देखिए क्या आ रहा है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।
नीचे सेवन कैसे आ गया? नीचे सेवन नहीं आएगा। दिस इज 4 + 3 आए अपॉन नीचे a² - b² आएगा, सो यू गेट 16 - 9i² 4 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, प्लस 3i - 3i -9i² आएगा। एक ब्रैकेट आपका ए प्लस बी है, दूसरा ब्रैकेट आपका ए माइनस बी है, तो a² - b² हो गया। ठीक है, दिस इज 4 + 3i अपॉन 16 + 9 हो जाएगा बिकॉज i² - 1 और 16 + 9 जो है वो 25 हो जाएगा। तो सेपरेट करने के बाद आपको 4/25 + 3/25 i आएगा। ठीक है, तो ये आ गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना था, इट इज 1/z। ओके, मींस 1/4 - 3i। और फिर क्वेश्चन के केस में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। ओके, एंड यू गेट दिस। यस, एनी डाउट इन दिस? ओके, आज का लास्ट टॉपिक या लास्ट प्रॉब्लम मैं कहूं, एक्सरसाइज 5.3, इसका क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 में से 4 ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर लिए हैं। प्रॉब्लम्स अगेन बहुत इजी है, पूरा आपका 10th बेस्ड है, नथिंग। सिर्फ इतना है कि 10th स्टैंड में रियल रूट्स आते थे, यहां पे आपके रूट कॉम्प्लेक्स आएंगे। ओके, आपको क्वेश्चन भी क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सारे क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं और आपको इनके रूट्स फाइंड करने हैं। सॉल्व करना है मीन्स आपको इनके रूट्स फाइंड करने हैं। अब प्रॉब्लम 3 में आपको दिया है x² + 3x + 9, गिवन इक्वेशन इज x² + 3x + 9 = 0। दिस इज गिवन टू यू। ओके, यहां पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 9 है। वी आर कंपेयरिंग इट विद इक्वेशन ax² + bx + c, b² - 4ac। ये आ गया 3² - 4 * a * c, दिस गिव्स यू 9 - 36 विच इज -27। ओके, एंड इट इज लेस देन 0। सॉल्यूशन और यू कैन से रूट्स आपको मिलेंगे x = -b + -√(b² - 4ac/2a। ओके, दिस विल गिव यू माइनस बी मीन्स इट इज -3 + -√(-27) / 2a। 2a गिव्स यू 2। ओके, आपको ये मिलेगा। नाउ ये आ जाएगा -3 + -√(27) को आप 9 * 3 * -1 लिख सकते हो / 2। सी, ये जो -27 है, -27 में सबसे पहले -9 को सेपरेट कर दीजिए। -9 को सेपरेट करना मतलब -1 हो गया, बाकी जो 27 है वो 3 * 9 हो जाएगा। दिस गिव्स यू -3 + -√(3i/2 एंड दिस गिव्स यू -3/2 + -√(3/2i। अब ये जो 9 था, अंडर रूट के अंदर 9, इसका मतलब ये अंडर रूट 9 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर 3 एज इट इज है, रूट 3 एज इट इज है। बाकी जो अंडर रूट के अंदर -1 था, ये वाला अंडर रूट के अंदर जो -1 है, तो i जो है इट इज √(-1), i जो है वो जाता है √(-1). तो अंडर रूट के अंदर जो -1 है इसकी वैल्यू हो गई i। ओके, सो यू गेट दिस आंसर। यस, एनी डाउट?
यहां तक तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट अराइज होगा भी तो वहां से होगा, अगर है तो पूछिए।